हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए, यह सेल्स साइकिल एंड सेल डिवीजन का आज है तीसरा लेक्चर। ठीक, इसके पहले हम माइटोसिस यानी सेल साइकिल और सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन लेक्चर हम कर चुके थे, ठीक है। और हम ये चीज माइटोसिस भी क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। आज हम पहुंच चुके हैं किस पे, मियोसिस पे, ठीक, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन क्या कहता है, पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है। तो मियोसिस, जैसे मियोसिस क्या होता है यहाँ से, यानी माइटोसिस क्या बताए थे, जब हमारा एक सेल से दो सेल में बन जाना क्या कहलाता है, माइटोसिस कहलाता है। बट ऐसे थोड़ी भी काम चलने वाला है, ठीक। जब एक सेल से हमारा क्या बनेगा, चार सेल बनेगा, ठीक है, चार सेल से यानी चार सेल बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे, ठीक है। मियोसिस जैसे नाम से ही पता है क्या होता है, इसमें हमारा जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा हाफ हो जाएगा, ठीक, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए वही हमारा देखिए, यहाँ से हमारा चार सेल होगा, कैसे उसे मियोसिस को अब क्या कर देते हैं, देखते हैं मियोसिस आखिरकार होता क्या है, ठीक। मियोसिस होता क्या है, यहाँ से थोड़ा सा फैन वगैरह और बदल जाता है, ठीक है, ठीक। देखिए मियोसिस नाम से ही एकदम वीआईपी लग रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या देखा, द प्रोडक्शन ऑफ आप स्क्रीन बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बताइए, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आप स्प्रिंग पैदा होता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, जैसे कैसे हम यहाँ तुम्हें समझा रहे हैं, ठीक, एकदम इजी और हलवा तरीके से, ठीक है। लाइए इसमें मान लेते हैं, यहाँ क्या होता है, एक यहाँ से एक मेल है और यहाँ से एक फीमेल है, ठीक, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इसके पास है, 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इसके पास, दोनों के पास क्या है, 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। आप बताइए, यहाँ से हमारा 23 यहाँ से आता है, मेल से और फीमेल से भी 23 ये क्रोमोसोम आता है, और हमारा जो बेबी बर्न होता है, यानी बेबी जो बर्न होता है उसके पास कितना, 46 ऑफ द क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, यही तुमसे कह रहा है, ठीक। देखिए कहने का मतलब, प्रोडक्शन ऑफ आप स्प्रिंग, ये जो आप स्प्रिंग बन रहा है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, ये मियोसिस के थ्रू ही क्या कर रहा है, बन रहा है, ठीक। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अब क्या पूछा, गैमेट और फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट फॉर्म होता है डिप्लॉयड सेल। देखिए करिए, गैमेट जो फॉर्मेशन होता है डिप्लॉयड सेल से, बताओ ये मेल है क्या है, मेल है डिप्लॉयड, फीमेल है कि डिप्लॉयड, डिप्लॉयड नहीं समझते हैं, जैसे 2n नंबर बताए थे कि नहीं, जिसमें n नंबर ऐसे लिखा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड बोलेंगे, जिसमें 2n नंबर लिखा रहा है यानी दो सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर रहे, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लॉयड, सिंगल सेट रहे तो तुमसे क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड बोलेंगे, ठीक। देखिए वही तुमसे कह रहा है, गैमेट और फॉर्मेट फॉर्म ऑफ द डिप्लॉयड सेल, जो गैमेट का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, ये बेबी जो बन रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन ये डिप्लॉयड सेल, जैसे बताओ यहाँ से ये 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, जो मेल फीमेल है और मेल है, इसके पास क्या था, 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम था जो डिप्लॉयड था, ठीक। अब यहाँ से 23 आया, तो यानी ये हैप्लॉयड यहाँ से आया और हैप्लॉयड यहाँ से आया, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एन और एन कितना होता है, 2n, ये 2n नंबर होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यही तुम्हारा क्या होता है, डिप्लॉयड। तो बताओ क्या होता है, ये पूछा गैमेट, जो गैमेट यहाँ से बन रहा है वो क्या डिप्लॉयड सेल है कि नहीं, डिप्लॉयड सेल से आ रहा है, हैप्लॉयड हैप्लॉयड आएगा तो दोनों क्या करेंगे, डिप्लॉयड इन नंबर का बनेगा, ठीक। ये था तुम्हारा ये सेकेंड पॉइंट, ठीक, सेकेंड पॉइंट समझ में आया, यानी कहने का मतलब मियोसिस जो आप यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें होता है, गैमेट जो फॉर्मेशन होता है डिप्लॉयड इन सेल होता है उसमें भी क्या होता है हमारा, ये आपका गैमेट जो होता है डिप्लॉयड इन नेचर विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, ये दोनों पॉइंट हम जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दिस स्पेशलाइज्ड काइंड्स ऑफ द सेल डिवीजन, एक तरह का एक स्पेशल टाइप यानी तरह का सेल डिवीजन है जो रिड्यूस करता है, देखिए रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर, यानी क्रोमोसोम नंबर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और नंबर में रिड्यूस कर रहा है बाय द हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द डॉटर सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस बोलते हैं, ठीक। नहीं समझ में आए ये पॉइंट, क्या देखा लिखा है, यानी एक स्पेशल तरह का सेल डिवीजन है, ठीक, एक स्पेशल तरह का सेल डिवीजन है जिसमें हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूज होता है, देखिए क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, रिड्यूज होता है, यहां से बताएं मेल और फीमेल रिड्यूज होकर तो क्या आ रहा था, ऐसा तो नहीं 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, 46 नंबर यदि क्रोमोसोम आ जाए तो यहां पर 46 और 46 कितना हो जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, लो भाई एकदम गैंट आदमी बन जाएगा, ठीक, जाइंट बन जाएगा, खतरनाक टाइप का,
ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि यानी क्रोमोसोम के अंदर कुछ भी यदि डिसऑर्डर होगा तो क्या रहेगा, कभी नकियर टेढ़ हो जाएगी, कभी हथवा टेढ़ हो जाएगा, कभी लूला लंगड़ा ये सब पैदा हो जाते हैं। तो बता उतना यदि हमारे अंदर डिसऑर्डर होगा 46 यानी आप 46 आएगा तो पता नहीं कितना बन जाएगा, तो उससे दिक्कतें हैं। ठीक, तो वही तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर रिड्यूज होता है, जिससे जो हमारा हाफ रिजल्ट आता है प्रोडक्शन आ गया, जो यानी डाटर सेल होते हैं प्रोडक्शन जो आते हैं बाय द नहीं समझ रहे कैसे बताएं 46 46। अब बता 23 इससे आ रहा था कि नहीं, 23 इससे आ रहा था, दोनों जब बनेंगे तब 46 नंबर बनेंगे ना, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या होता है हाफ हाथ आ रहा है, यही तो हम तुमसे कब से बोल रहे हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा यानी होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डाटर सेल जो बनता है उसे यानी कि द हेल्प ऑफ मियोसिस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये तीन पॉइंट था मियोसिस के बारे में, डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं, कोई खोजा है कहीं से, ऐसे थोड़ी ना टपक पड़ा कि यानी किसी ग्रह से आ चुका, लो भाई मियोसिस हमें पढ़ाओ, तुम ऐसे होने वाला नहीं है। ठीक, तो ये कैसे होता डिस्कवरी फर्स्ट यानी क्या होता है, इट वाज द फर्स्ट डोमेस्टेटेड बाय द, किसने किया था, बेंडर नामक वैज्ञानिक 1887 में। ठीक, यदि आपको सन याद नहीं है तो क्या कोई नहीं, डेटा बर्थ कितने लोगों को याद नहीं रहता, सन का इनकी डेटा यानी कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए नाम याद रखिएगा, यदि नीट वगैरह में जाएंगे तो ऐसे क्या करता है, यदि किसी कंपटीशन वगैरह में जाएंगे तो ऐसे पूछा है, तो मियोसिस के पहले बार डोमेस्टेट कितने की, मतलब किसने पहली बार डिस्कवरी किया था, उनका नाम क्या है, वॉन वेंडर, वॉन वेंडर नामक वैज्ञानिक 1887 में इसके बारे में बताया था डिस्कवरी की, यानी क्या था डिस्कवरी किया था मियोसिस का, मगर उसे अच्छे तरह से डिस्क्राइब कौन किया था बता दिए क्या, मान लेते हैं ये पेंसिल है, यानी मान लेते पेंसिल कैसे है मार्कर, ठीक ये मार्कर है, बोल दिए मार्कर है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ क्या होता है इसके अंदर, क्या चीज है, इंक है, प्लास्टिक है, ये क्या बोलते हैं इसे, नोक बोलते हैं, तो ये सारी चीजें डिस्क्राइब किसने किया था, इसकी डिस्क्राइब नहीं, मियोसिस के अंदर जितना भी चीज होता है डिस्क्राइब किसने किया था, विनी वाटर नामक वैज्ञानिक थे जो आपके 1900 में, ठीक यदि सर नहीं याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं, 1900 में इन्होंने क्या थी मियोसिस को एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ठीक, उसके बाद टर्म गिवन बाय यानी मियोसिस टर्म दिया किसने था, ये फार्मा तथा मूरे नामक वैज्ञानिक 1905 में इन्होंने क्या दिया था, टर्म दिया था कि मियोसिस नाम रखिए। ठीक, जैसे कोई लड़का है तो हम सब लोग आइस पाइस कहते हैं तो क्या बोलते हैं आइस पाइस, अब तो जनरेशन क्या है मोबाइल में भिड़ जाएगी यार, कैसे ऐसे मारेगी, पहले लोग क्या होता था नया नया यानी बच्चे जब जाते थे तो यानी नया नया गेम का इन्वेंट कर देते थे, कैसे जैसे मैच खेलने गए मान लेते स्टैम्प नहीं है तो ईटवा जोड़ देते थे, ईटा जोड़ के मैच खेल लेते थे, अब मान लेते हैं क्या होता बैट ही नहीं है तो क्या कर देते थे ऐसे गोला बना देते थे, और ऐसे 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 लोग क्या करते इतना दूर दूर ऐसे ऐसे गोला बना देते थे, और डंडा लेके पदाते थे बच्चों को। ठीक, वो अलग गेम, यानी हर एक दिन क्या होता था नया नया गेम का इन्वेंट होता था। ठीक है, इन्वेंट होता था तो यानी आप देखिए तो बताओ नया नया गेम, जैसे बहुत सारा गेम होता है तो बताओ क्या होता है, नया नया टर्म हम दे रहे हैं कि नहीं, अच्छा ये गेम है तो इसका नाम ये दे दो आइस पाइस दे दो। ठीक, ये सारा सा गेम होता है तो ये बताओ क्या टर्म गिवन बाय यानी इसका मियोसिस टर्म को देने वाले, मियोसिस जो नाम है देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, फार्मर तथा मूरे, फार्मर एंड मूरे नामक वैज्ञानिक 1905 में मियोसिस टर्म को दिया था। ठीक, उसके बाद आते हैं देखिए क्या दिया, जर्जर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, हम क्या बताए माइटोसिस के बारे में पढ़े थे, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज इतना खत्म, कोई दिक्कत नहीं, मगर मियोसिस कितने में होता है बोल दिएगा, तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दो स्टेप में होता है लोग। ठीक, यानी मियोसिस फर्स्ट में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता क्या होता है एक दूसरे को एक्सचेंज वगैरह करके, ठीक क्या करेंगे ओ यानी दूसरे सेकंड यानी सेकंड में जब जाएंगे यानी मियोसिस सेकंड में जाएंगे तो तब ही डिवाइड होंगे। ठीक, इसमें क्या होता है जितना भी, इसीलिए क्या होता है मियोसिस यानी मियोसिस से फर्स्ट है इसमें भी जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है एक्सचेंज होता है। ठीक, ये सब क्रॉसिंग ओवर वगैरह यानी कि माटा कब बनता है ये सारी चीजें मियोसिस फर्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है इसीलिए बताओ मम्मी पापा के हम क्या आते हैं एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, कॉपी होते तो बताओ इवोल्यूशन, बताओ कैसे इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का नाम सुने मतलब हमारे अंदर ग्रेजुअली धीरे 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 चेंजिंग हो रही है तभी तो हम इतने बढ़िया सुंदर है एकदम हम सब आदमी है। ठीक, तो ये बताओ चेंज हुआ है कि नहीं, तो मियोसिस जो फर्स्ट होता है इसी के अंदर क्या होता है थोड़ा सा यानी वेरिएशन हमारे अंदर आता है, इसीलिए हम कहते हैं मम्मी पापा के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। ठीक, यानी मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड टर्म को वैज्ञानिक देने वाले क्या थे आपके ग्रेजर, यानी ग्रेजर नामक वैज्ञानिक इन्होंने क्या दिया था मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दिया था। ठीक, ये था मियोसिस और मियोसिस की डिस्कवरी के बारे में, अब हम इंटर करते हैं मियोसिस में।
मियोसिस इन्वॉल्व होता है टू सिक्वेंशियल साइकिल होती है। टू सिक्वेंशियल साइकिल कौन, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ठीक, देखिए क्या लिखा है, मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ द न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी न्यूक्लियर का डिवीजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और सेल का डिवीजन होता है तो हमका क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक, ये साइटोकाइनेसिस हो गया। ठीक, ये आपका कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये दोनों प्रोसेस होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में मिला के। ठीक, यहाँ से देखिए क्या ये आपका मियोसिस, यहाँ वो तो भूल ही गए। ठीक, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में सारी पूरा मियोसिस होता है। अब मियोसिस इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये कह रही है मियोसिस इन्वॉल्व होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस यानी होमोलोगस क्रोमोसोम ए रिकॉम्बिनेशन बिटवीन एक दूसरे से क्या रिकॉम्बिनेंट होते हैं, जैसे यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम लीजिए हमारे बाबू यहाँ है, ठीक, दूसरा ओ भाई क्या बताएं, ओ भाई पुष्पा झुकेगा है। ठीक, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, तब बताओ तो इसमें हमारे का तो होमोलॉगस पेयरिंग कर रहे हैं कि नहीं, क्या बताओ होमोलॉगस है तभी तो पेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन वगैरह होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल ये, इसका जेनेटिक मटेरियल ये एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक, इसमें मान लेते हैं ये आ गया, इसमें ये आ गया, तो बताओ क्या होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी सिमिलर टाइप ऑफ द क्रोमोसोम है, तो ये क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट तुम्हारा यही रिकॉम्बिनेशन, एक दूसरे को रिकॉम्बिनेंट होते हैं। ठीक, ये था। उसके बाद क्या होता है, फोर हैप्लॉइड सेल आर फॉर्मेड एट द एंड ऑफ मियोसिस। ठीक, कहने का मतलब अभी यानी क्या होता है, एक सेल से हमारा क्या होता है चार सेल बनेगा एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। अब देखिए मतलब एक सेल है तो हमारा क्या बनेगा, मान लेते हैं ये मियोसिस फर्स्ट हो गया, तो एक सेल से यानी दो सेल बन गया, तो यहाँ से हमारा क्या होता है चार सेल बन गया कि नहीं, यानी चार सेल जब बनेगा तो क्या होगा, तो यानी एट द टाइम ऑफ एट एंडिंग ऑफ मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड के लास्ट में जाते जाते तुम्हारा क्या बन जाएगा, फोर हैप्लॉइड सेल बनेगा। ठीक, फोर हैप्लॉइड सेल बनेगा आपका, यही तुमसे बोला जा रहा है, सिंपल से समझिए, फोर हैप्लॉइड सेल फॉर्मेट एट द एंड ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस कितने तरह का होता है, मियोसिस होता ना ये टाइप होता है, यानी मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ठीक, हमें क्या करना, इसे एकदम बढ़िया से पढ़ना। ठीक, देखिए आपका मियोसिस फर्स्ट में यहाँ से टेबल बना देते हैं, एकदम बढ़िया है, लगे हाँ कि कुछ हो रहा है। ठीक, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में हमारे क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज। सिंपल सा समझो, कुछ भी नहीं, सिंपल सा तुम्हें समझो, जैसे माइटोसिस यानी हाँ माइटोसिस में तो हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, चार फेज पढ़े थे कि नहीं, उसी तरह से हम इसमें भी क्या करेंगे, चार फेज पढ़ेंगे, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब इसी को क्या करना है, यहाँ पर दो में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, जाहिर सी बात मियोसिस में हमारा क्या होता है जो फेज है चार फेज, फर्स्ट से फर्स्ट 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 रहे, देखिए प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टेलोफेज, ये चार फेज फर्स्ट में है। उसके बाद मियोसिस सेकंड में यदि पहुंचेंगे तो इसमें भी कितना फेज है, मियोसिस, मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, ये सारी चीजें होती है। बट हम ये प्रोफेज जो है इसमें क्या होता है बहुत सारा स्टेज यानी चार स्टेज हो जाए, जिससे चार स्टेप ले जा पानी दूध, पांच स्टेप होता है। ठीक, यहाँ से पांच स्टेप होता है, जिसे क्या होते हैं जैसे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन और डायकाइनेसिस और डिप्लोटीन, यानी हाँ पहले डिप्लोटीन होता था डायकाइनेसिस होता। ठीक, तो ये तुम्हें इसमें हमें प्रोफेज फर्स्ट में एकदम अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आप प्रोफेज फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट। ठीक, चलिए देखते हैं इसे, चलिए देखते हैं मियोसिस फर्स्ट। ठीक, मियोसिस फर्स्ट में कुछ चीजें हम देखते हैं। ठीक, पहले देखते हैं मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, इट यानी इन विच एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ होता है, यानी मियोसिस फर्स्ट में आपका जो क्रोमोसोम पहले बता दिए थे नंबर कम होता है, रिड्यूस यानी कम हो जाता है, ठीक, हाफ हो जाता है। ठीक, यानी ये आपका क्रोमोसोम यानी मियोसिस फर्स्ट में होता है। ठीक, मियोसिस फर्स्ट इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, जब कम हो रहा तो जाहिर सी बात क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, यानी कहने का मतलब ये आपका इसमें जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा रिड्यूस यानी हाफ हो जाएगा, तो इसे यानी मियोसिस फर्स्ट को हम आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, कहीं भी रिडक्शनल डिवीजन लिखा रहे तो आप जानिएगा क्या मियोसिस के बारे में बात कर रहा है। ठीक, इसे आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक, ये मियोसिस फर्स्ट में है। उसके बाद ये इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल फ्रॉम वन डिप्लॉइड सेल, कहने का मतलब क्या होता है, ये आपका एक डिप्लॉइड सेल है यानी टू ईयर नंबर है,
इससे हमारा रिड्यूज होगा, तो हमारा यन नंबर ऑफ द क्रोमोसोम और यहां से यन नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। बताइए एक डिप्लॉयड सेल से, ये लाइन क्या पूछा, फॉर्मेशन ऑफ टू हैप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड हैप्लॉयड टू हैप्लॉयड सेल फॉर्मेशन हुआ किससे, एक डिप्लॉयड सेल से, एक डिप्लॉयड सेल, ये हमारा क्या है डिप्लॉयड है, ये हमारा डिप्लॉयड और ये जो फॉर्मेशन हुआ ये हमारा क्या है हैप्लॉयड है। ठीक समझ में आई कि नहीं, कहने का मतलब क्या होता है मियोसिस फर्स्ट में हमारा, मियोसिस फर्स्ट में हमारा हो जो रहा है दिख तो रहा है, ठीक हमारा दिख रहा है क्या, यानी एक डिप्लॉयड सेल से, एक डिप्लॉयड सेल से दो हैप्लॉयड सेल बन रहे हैं, ठीक ये आपका देन ये चीज लिखा हुआ है, ठीक ये पॉइंट समझ में आया। इट इज यानी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यानी ये कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो पार्ट में, यानी माइटोसिस भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहे थे, कौन कौन, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, उसी तरह से हमारा ये मियोसिस जो फर्स्ट होता है तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होता है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होता है, इसमें भी क्या होता है फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे मियोसिस सेकेंड तो उसमें भी आपका कैरियोकाइनेसिस सेकेंड आपका होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस सेकेंड होगा, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं पहले इसमें हमारा स्टार्ट करते हैं किसे, कैरियोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, जब हमारा एक्चुअली यहाँ से लिखते जाते हैं, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जो हमें ये देखना है टोटल, ठीक। अब बताइए यहाँ से हमारा प्रोफेज फर्स्ट हमें एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक। अब देखिए प्रोफेज फर्स्ट हो गया, इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस, मियोसिस में सबसे बड़ा फेज ये माना जाता है एट मियोसिस में, ठीक, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज सबसे बड़ा फेज माना जाता है, क्योंकि इसके सब फेज होते हैं, कौन कौन से, यहाँ से हम शॉर्ट ट्रिक में ले जा पानी डूब नहीं कहते, चुल्लू भर पानी में डूब मरा, ऐसे कहते चुल्लू भर पानी डूब मरेंगे यार, यानी उसी को क्या कर दिए हम यहाँ से टिक बना दिए, ठीक। जैसे ले से मतलब क्या होता है आपका लिप्टोटीन होता है, ठीक, ये आपका जेड फार जाइगोटीन होता है, उसके बाद पैखार यानी पानी फार क्या होता है पैचीटीन होता है, पैचीटीन, डी मतलब क्या होता है डिप्लो, हाँ डी मतलब क्या होता है डिप्लोटीन होता है, ठीक, यहाँ से डिप्लोटीन होता है, और ये डाई मतलब क्या होता है डाई डायकाइनेसिस, ठीक, काइनेसिस हो गया, डायकाइनेसिस हो गया, ये तुम्हारा क्या होता है, ऐसे यहाँ से बादल वगैरह कापी में कहीं ऐसे क्या होता है इसकी ट्रिक को बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है तो यानी पूछेगा आपसे यानी प्रोफेज में कितना फेज होते हैं, प्रोफेज का सब फेज कितना होता है, यानी कितना उसके सब डिवाइड हैं, कौन कौन से, लिप्टोटीन हो गए, देखिए लिप्टोटीन यानी यल ले जा पानी डूब जाए, ये तुम्हारा हम ट्रिक बना दिए हैं, ठीक। देखिए यल यानी ले से क्या हो जाएगा लिप्टोटीन, जा से जाइगोटीन, उसके बाद यानी पानी से पैचीटीन, उसके बाद डिप यानी डूब से हमारा डिप्लोटीन, और डाई से मतलब क्या होता है डाइकाइनेसिस, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ठीक, ये हमने फिर ट्रिक ट्रिक बना दिए, ले जा पानी डूब जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को क्या करना, पहले हमें लिप्टोटीन पढ़ना, फिर जाइगोटीन, फिर पैचीटीन, फिर हमारा डिप्लोटीन, उसके बाद डाइकाइनेसिस, तब जाके हमारा प्रोफेज फर्स्ट हो कंप्लीट होगा। प्रोफेज के लिए फर्स्ट कंप्लीट कर लिए तो समझ लो भन्न से हमारा क्या हो जाएगा मियोसिस सेकंड, और यानी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज ये तो तुरंत समय से खत्म हो जाएगा 10 विद इन द 10 मिनट, ठीक। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्या करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं लिप्टोटीन, लिप्टोटीन में क्या दिया, देखिए क्रोमोसोम विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, हम यानी आप देखिए मियोसिस यानी जो आपका पढ़ रहे थे मियोसिस में प्रोफेज के फर्स्ट में लिप्टोटीन में हम क्या कर सकते हैं क्रोमोसोम को विजिबल आराम से हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज करता है, न्यूक्लियस जो होता है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है इतना इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा ये पहला पॉइंट लिखा, हम क्या कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से विजिबल आराम से देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस की वॉल्यूम क्या हो जाएगी बड़ा हो जाएगा, ठीक, इंक्रीज करेगा, ठीक। उसके बाद लैंप ब्रश क्रोमोसोम, ये आपका एक टाइप ऑफ द क्रोमोसोम है, ठीक, कोई चिंता करने की बात नहीं है, कहेंगे तो इस पर क्या होता है एक छोटा सा वीडियो बना देगा, लैंप ब्रश क्रोमोसोम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता सब, ठीक, चलिए इसे हम बता देंगे, ठीक, कमेंट में आप झोंक दीजिएगा, झोंक मतलब लिख दीजिएगा, ठीक। देखिए लैंप यानी लैंप ब्रश क्रोमोसोम फाउंड इन ऊ साइड आप इम्फीबियन, इम्फीबियन के ऊ साइड में पाया देखने को मिलता, कब, जब आपका लिप्टोटीन स्टेज होता तो हमारा यानी लैंप ब्रश क्रोमोसोम एम्फीबियन के ऊ साइड में देखने को मिलता है,
ठीक। अब क्या दिया है, क्रोमोसोम हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी क्रोमोसोम जब हमारा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। जब हमारा डिसिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। मगर हमें क्या करना है, यहाँ से होमोलोगस लिखा है, यानी क्रोमोसोम हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो। अरे आप जुड़वा बच्चे देखे हैं तो बताओ सिमिलर सिमिलर है कि नहीं, कहते हैं होमोलोगस है, होमोलोगस है। ठीक, तो यानी आपका होमोलोगस है, जो सिमिलर स्ट्रक्चर है तो नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक, ये था आपका लिथोटीन स्टेज। अब आते हैं किस पे, जायगोटीन स्टेज पे आते हैं। ठीक, जायगोटीन स्टेज पे आते हैं, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इन नोन एज साइनोसिस। जब हमारा होमोलोगस का क्रोमोसोम क्या क्या होता है, पेयरिंग होती है, पेयरिंग होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। वो कहाँ देखने को मिलता है, जायगोटीन स्टेज में मिलता है। देखिए, यानी पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस टेक प्लेस, यानी देखने को मिलता है किसमें, जायगोटी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है साइनेप्सिस किस स्टेज में देखने को मिलता है, तो साइनेप्सिस क्या बताएंगे, जायगोटीन स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछ देगा, लैम वर्स क्रोमोसोम विजिबल होता है कब, एट द टाइम ऑफ प्रोफेज फर्स्ट के लिप्टोटीन स्टेज में। ठीक, तो अब उसके बाद यहाँ से जायगोटीन है, जायगोटीन साइनेसिस किस में देखने को मिलता है, जायगोटीन स्टेज में मिलता है। अब साइनेसिस क्या होता है, जब होमोलोगस ऑफ द क्रोमोसोम पेयर करता है, यानी देखो यहाँ से पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन्होंने साइनेसिस बोलते हैं। ठीक, अब एक टर्म आया बाईवैलेंट, बाईवैलेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका टेट्राड भी लिख सकता है, बाई मतलब दो होता है, वैलेंट समझ रहे हैं। ठीक, यहाँ से टेट्राड, इसे टेट्राड के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम। ठीक, अब इसको तोड़ दिया गया है, यानी टेट्रा बाई, उसे क्या कर दिया, बाई मतलब दो है, पेयर में है, तो यानी बाई बाई, और यानी क्या होता है, दो और दो चार हो जाएगा, तो टेट्रा बी से लिख सकते हैं। ठीक, देखिए यार, पेयर क्रोमोसोम इज नोन एज बाई वैलेंट, जब हमारा क्या होता है, पेयर क्रोमोसोम होता है। चलिए यहाँ से हम आपको बता देते हैं, इसे इसे नहीं लिख करेंगे, ये आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी आप शॉर्ट इसके लिए देख, देखिए यहाँ पे पूछा पेयर क्रोमोसोम, पेयर क्रोमोसोम क्या ये हो गया, तो ये चीज है कि नहीं, तब क्या होता है, इसके में हमारा क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, तो यानी क्या हो गया, ये आपका ये जो वाला चीज है, इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे, जिसे बाईवैलेंट, एक वैलेंट दो वैलेंट है नहीं कि नहीं, इसे हम बाईवैलेंट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ दिस स्टेज, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस स्टेज में तुम इंडिकेट कर सकते हो किसको, जो आपका पेयर हो रहा है, किसका क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है, साइनेप्सिस, जो साइनेप्सिस हो रहा था अकोम्पनाइन, बोला जाता है, जब हमारा साइनेप्सिस यानी जब हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, तो उस हमारा क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइनोटोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक, ये था आपका प्रोफेज में सारी चीजें, दोबारा हम बता रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या होता था, रिड्यूज कम हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक, उसके बाद इसे हम क्या, जब हाफ हो जाएगा तो इसे रिडक्शनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से दिया फॉर्मेशन ऑफ टू हैप्लॉयड सेल, एक डिप्लॉयड सेल से दो, यानी क्या होता है, हैप्लॉयड सेल बन जाता है। ठीक, मगर क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसे डिवाइड किया गया कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में। अब कैरियोकाइनेसिस हम यहाँ से देख रहे थे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, उसमें हम पहले देखेंगे प्रोफेज, प्रोफेज क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से दिया है लिप्टोटीन, लिप्टोटीन क्या दिया है, देखो जो किसमें, जायगोटीन स्टेज में देखने को मिलता है। फिर यानी आप साइनोटीन यानी साइनोटोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब हमारा यानी पेयरिंग होता है किसका,
साइनेप्स बनता है, जब हमारा साइनेप्स बनता है तो उस स्ट्रक्चर में एक कॉम्प्लेक्स यानी उस उसके फॉर्मेशन में यानी उसके यानी उसका जब फॉर्मेशन यानी जब बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम तो एक क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक, ये टोटल है प्रोफेज का आपका, ये लिप्टोटिन स्टेज पर चुके डाइगेटिन, अब हम बैटिटिन और डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं हम, चलिए देखते हैं आपका ये प्रोफेज सेकेंड प्रोफेज जो फर्स्ट था उसमें हमारा पैचिटेन स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक, पैचिटेन स्टेज क्या होता है देखते हैं, पढ़ के जाते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। ठीक, कहने का मतलब क्या होता है, इस स्टेज में पैचिटेन स्टेज में हमारा क्या होता है, बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम था वो हम क्लियरली विजिबल कर सकते हैं किसके फॉर्म में, टेट्राड के फॉर्म में हम आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम है। ठीक, उसके बाद क्या पूछता है, टू सिमिलर क्रोमेटिड ऑफ सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड एंड टू होमोलोगस क्रोमोसोम आर टर्म नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। धीरे धीरे पढ़ा जा रहा है, ठीक, फास्ट बोल रहे थे कि ज्यादा फास्ट हो रहा है, मगर हम क्या करेंगे, अब स्लो पढ़ेंगे। ठीक, कहने का मतलब क्या होता है, टू क्रोमेटिड यानी क्रोमेटिड क्या होता है, जब हमारा ये क्रोमोसोम का एक वाला ये वाला रीजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। ये हमारा सेम क्रोमोसोम आर का सिस्टर क्रोमोसोम, यदि ये सेम क्रोमोसोम में रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमोसोम बोलेंगे। मगर हमारा क्या होता है, जो हमारा देखो इसे सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहे थे, ये हमारा सिस्टर क्रोमेटिड होगा, क्या कर रहा है, ठीक, सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। यदि होमोलोगस क्रोमोसोम आज टर्म आप हम उसे क्या कहते हैं, नॉन हिट यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब क्या होता है, ये आपका मान लेते हैं ये क्या होता है, ये हमारा सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक, क्रोमोसोम एक्चुअली क्रोमेटिड मान ले रहे हैं। ठीक, अब इसमें से हमारा क्या होता है, इसमें से हमारा क्या होता है, कुछ मटेरियल इसमें से हमारा क्या होता है, एक्सचेंज हो जा रहा है। ठीक, ये हमारा एक्सचेंज हो जा रहा था, दूसरे तरफ जाएंगे तो हमारा ये बताओ एक्सचेंज हुआ है कि नहीं, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से उसका कुछ जेनेटिक मटेरियल इस पे चला गया और यहाँ से कुछ चला गया इस पे। ठीक, उसके बाद दूसरा यदि देखा जाएगा तो यहाँ से हमारा जेनेटिक मटेरियल यहाँ से गया है तो यहाँ से और कुछ आके इसे कवर करेगा। ठीक, ये बताओ क्या होता है, जो हमारा अलग अलग हुआ है तो हमारा क्या है, नॉन क्रोमेटिक, यदि सिमिलर टाइप रहेगा तो सिस्टर क्रोमेटिक, सिंपल से समझिए। ठीक, यही पर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, सिंपल सा हम आपको यहां से बताना चाहेंगे। ठीक है, देखिए यहां बनाते हैं, ठीक, मान लेते हैं ये हमारा क्या, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक, समझने के लिए तुम्हारे, ये हमारा एक क्रोमेटिन है। ठीक, तो होमोलोगस क्रोमोसोम यहां से क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं, ठीक, जिसे हमें क्या करना है, ऐसे बना देना है, ये बना दिए। अब इसी के बगल में क्या करते हैं, एक क्रोमोसोम, इतना बड़ा नहीं बनाते थे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, हमें अगला भी बनाना है ना। ठीक, देखिए यहाँ पे छोटा सा हम बना देते हैं। ठीक, ये आपका विजिबल हो रहा है, आपको आप दिख रहा है, समझदार है आदमी। ठीक, यहाँ से क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ से आएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ से, इसका जेनेटिक यहाँ से, बताओ तो दोनों मिले हैं कि नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। देखो क्या दिया, आप देखो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, तो यदि इसे हम सेपरेट यदि हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारा ये वाला प्रोसेस, यहाँ से ये वाला, ठीक, अब दूसरा ये हो गया, अब दूसरा यहाँ से जाएगा, अब इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल ये ले लेगा, कुछ का जेनेटिक मटेरियल ये ले लेगा, कुछ इसका ये ले लेगा, कुछ इसका ये लेगा, तो बताओ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ कि नहीं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो नोन एज यानी एंजाइम मेडिकेटेड होता है, ये सब ऐसे नहीं हो जाता कि सटा नहीं हो जाएगा, ये एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का क्या नाम है, रिकॉम्बिनेज नामक एंजाइम होता है, जो क्या करता है, इस प्रोसेस को इवॉल्व होता है, इस प्रोसेस में इवॉल्व होता है ये एंजाइम। एंजाइम मतलब क्या होता है, तोड़ने वाला काम होता है कि नहीं, कहीं भी सिंपल सा ASE यानी एज लगा हो तो एंजाइम से रिलेटेड है। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये जो हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है, ये बताओ यहाँ से सटा हुआ, ऐसे थोड़ी ना कि सट जाएगा, मान लेते हैं तुम्हें सटा दिए, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा क्रोमोसोम का, नहीं, इसके लिए क्या होता है, एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या पूछा, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट बाय द एंड ऑफ द पैचिटिन स्टेज, यानी पैचिटिन यानी पैचिटिन की यानी पैचिटिन जो स्टेज होता है उसके लास्ट के एंड में हमारा क्या होता है, ये आपका रिकॉम्बिनेशन, जो भी हमारा क्या होता है, ये सब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज वगैरह हो रहा था, सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद तुमसे क्या पूछा, डिप्लोटिन स्टेज पूछा। एट दिस स्टेज क्या होता है, नहीं समझे इतना दोबारा हम इसे बता रहे। पहली चीज में सिंपल सा समझिए क्या होता है, जो आप बाई वजन क्रोमोसोम हम देखा गया था जिसे हम टेट्राड बोल रहे थे, वो आराम से विजिबल आराम से देख सकते हैं। उसके बाद क्या पूछा है, यानी क्रोमेटिड यानी सिस्टर क्रोमेटिड, दो टर्म आया है यहाँ से, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिंपल सा समझिए, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड जब हमारा सेम क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम पे होगा सारी चीजें, तो उसे हम क्या सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे यानी क्रोमेटिड बोलेंगे। जब हमारा क्या होता अलग अलग पे होगा, देखिए क्या यहाँ से टू होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड टू होमोलॉगस क्रोमोसोम रहेगा, दो एक ही तरह का क्रोमोसोम रहेगा और यानी जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करके अलग अलग हो गया, तो उसे हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। ठीक, देखिए आपको यहां से हम बताना चाहेंगे, दोबारा बताएं सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता, मान लेते ये आपका क्या होगा, ये सिस्टर क्रोमेटिड, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या होगा, टू होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी दो होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गए, ये देखिए ये अलग यहाँ से ये हो गया, ये सब नॉन सिस्टर बोलेंगे। ठीक, यही तुम्हारा क्या रहा कह रहा है। ठीक, ये तुम्हारा है यानी सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जब हमारा क्या होता है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है दो क्रोमोसोम के बीच में, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये एक एंजाइमिक प्रोसेस है जो क्या होता है रिकॉम्बिनेज, हमारा क्या होता है इसमें रिकॉम्बिनेज नामक एंजाइम जो होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब यहाँ से रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम कंप्लीट होता है किसके, इन द पैचिटिन स्टेज, पैचिटिन स्टेज के लास्ट में हमारा क्या होता है रिकॉम्बिनेशन सारा चीज होता था। ये था आपका टोटल पैचिटिन स्टेज। अब यहाँ से डिप्लोटिन स्टेज क्या होता है, एट दिस स्टेज पेयर क्रोमोसोम बिगिनिंग सेपरेट होता है। बताओ यहाँ से हमारा क्या होता है, ये देखो यहाँ से जेनेटिक मटेरियल क्या होता है एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ से हमारा क्या होता है अब अलग अलग हो जाएंगे किस स्टेज में, आपके डिप्लोटिंग स्टेज में। इसे हम क्या बोलेंगे, डी साइनेप्सिस बोलेंगे। अब साइनेप्सिस होता क्या है ये भी बता चुके हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है ऐसी चीज में पेयर क्रोमोसोम बिगिनिंग सेपरेट होता है जिसे हम क्या होता है डिसाइनेप्सिस बोलते हैं। और ये क्या करता है यहाँ से हो गया, अब देखो एक टर्म आगा कियाजमाटा क्या होता है, जब यक्ष से भी स्ट्रक्चर बनाता तो उसे हम कियाजमाटा बोलते हैं। ठीक, इसे हम बता रहे हैं कियाजमाटा क्या बोलते हैं, ये तुरंत आप समझ जाएंगे। ठीक, अब समझदार है एकदम मजेदार है। ठीक, ऐसे जब स्ट्रक्चर बनाएगा यानी मान लेते हैं ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो उसके बाद वाला पोर्शन जो सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे अटैच था, तो जब यक्ष से भी स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं कियाजमाटा बोलते हैं। ठीक, एट यानी लीस्ट वन कियाजमा टू फॉर्म ऑफ द ईच बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट बनाने में हमारा क्या होता है ईच बाइवेलेंट बनाने में क्या होता है एट लीस्ट वन कियाजमा होना चाहिए। ठीक, वन कियाजमाटा होना चाहिए, कियाजमाटा भी बता दिए यक्ष से भी स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक, कहीं भी ऐसे स्ट्रक्चर देखे इन क्रोमोसोम में तो हमको उसे क्या बोलेंगे कियाजमाटा। सिंपल सा दो तीन टर्म आया, क्रॉसिंग ओवर पैचिटेन स्टेज में देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर होता पैचिटेन स्टेज में होता, और हमारा एक टर्म आया हमारा कियाजमाटा और डिसाइनेसिस, डिसाइनेसिस किस में देखने को मिलता डिप्लोटिन स्टेज में देखने को मिलता, पैचिटेन स्टेज हमारा क्या होता डिप्लोटिन स्टेज में देखने को मिलता। एट लीस्ट वन कियाजमा क्या होता एक बाइवेलेंट फॉर्म करता है। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ से लास्ट एंड फाइनल दे रखा है आपका डिप्लोटीन हो गया डाइकाइनेसिस हो गया, इससे टर्मलाइजेशन हमारा क्या होता कंप्लीट हो जाता है, जितना भी हमारा एक्सचेंज वगैरह हो रहा है सब हमारा कंप्लीट हो गया, अब अलग अलग होने वाले हैं क्योंकि उन्हें वहां पर जाना है मेटाफेज में जाना है। ठीक, टर्मलाइजेशन इसमें कंप्लीट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस हमारे डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक, ये दोबारा डीजनरेट हो गए आप बताओ यहाँ से जो भी हमारा सारा चीज था हम क्या कर दिए इसमें न्यूक्लियर इनवलप होता है ब्रेक डाउन होता है जिसे हम यहाँ पर यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन डायकाइनेसिस में। इन सिंपल सा था ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर डीजनरेट हो जाते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का हमारा क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है जो एक जगह से दूसरे जगह पे खींचने का काम करेगा। ठीक, इसके बाद आप केवल दो चार दस मिनट और रुके रहिए आपका क्या होता है मियोसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम पहुँचते हैं मेटाफेज फर्स्ट पे। ठीक है,